आजकल हमारे वृंदावन के बंदर बड़ा इंतजार कर रहे हैं कि आप आओ तो आपका चश्मा उतारें। हाँ, बहुत दिन हो गए आप आए नहीं हो, उनको चश्मा उतारने का अवसर नहीं मिला। वो कला भूल न जाएं कहीं आपके चक्कर में, आप नहीं आओगे तो वो कला भूल जाएंगे। क्या गजब की कला है, ऊपर छत से आपके कंधे पे कूदना और वो भी आपको पता ना चले, कला है कि नहीं? ऊपर छत से आपके कंधे पे कूदना और आपका चश्मा आपको बिना बताए लेके फिर छत पे पहुंच जाना और फिर वो चश्मा आपको दिखाना कि ये चश्मा मेरे पास है तेरा, आजा केला दे दे, फ्रूटी दे दे, और वृंदावन में बंदर रूपी हनुमान की पूजा कर ले, सेवा कर ले और अपना चश्मा ले ले, फिर देख दुनिया को इसी चश्मे से। तो आप लोग अगर वृंदावन नहीं आओगे तो बंदर अपनी कला भूल जाएंगे, इसलिए पुनः जितना जल्दी हो सके आप वृंदावन में पुनः आइए और चश्मा पहन के आइए, कुछ पैसे केलों के लिए एक्स्ट्रा लेके आइए और बंदरों को भी खिलाइए और आनंद लीजिए। एक जगह मैंने पढ़ा, किसी ने लिखा, बंदर कह रहा है भगत जी जल्दी वृंदावन आओ क्योंकि बहुत दिन हो गए तेरी आंख से चश्मा उतारे हुए, मैं इंतजार कर रहा हूं। आजकल दिमाग है जन कहां किस दिशा में लोगों का चले, पर हां बंदरों का मैसेज आप तक मैंने पहुंचाना था, मैंने पहुंचा दिया। अब जो दूर देश में बैठे हुए हैं दूर दूर, वो वृंदावन में आप फ्राइडे सैटरडे संडे जब भी आपकी छुट्टी हो वृंदावन आना प्रारंभ करें। प्रिया कांजू का मंदिर खुला है, सुबह भी और शाम को भी आप सब दर्शन कर सकते हैं। मास्क जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है। आप अपनी प्रार्थना सरकार से करें तो बीते हुए काल की विपत्तियां जिससे अति शीघ्र समाप्त हों और आपका श्रीधाम वृंदावन में आना प्रारंभ हो, ऐसी प्रार्थना भी आप प्रियकांत सरकार से करें। बोलो राधे राधे।